प्रॉब्लम 45, अ मूविंग ब्लॉक इसका मास m है, ये कोलाइड करता है बच्चों किसी और स्टेशनरी ब्लॉक जिसका मास 4m होना चाहिए, स्टेशनरी दूसरा वाला। फिर जो लाइटर ब्लॉक है मतलब मास m वाला, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, और इनिशियल वेलोसिटी भी उसी लाइटर ब्लॉक की दी है जो कि v है। आपसे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होना ये बताइए। देखो लाइटर का मास m है और हेवियर का मास 4m है, तो समझ लेते हैं पहले, एक ब्लॉक है बच्चों और एक बिगर ब्लॉक हो जाएगा, मास m और मास कितना है 4m। पहली वेलोसिटी इसकी v दे दी है क्वेश्चन में और u2 बच्चों 0 है, रेस्ट बोला था इसने, कोलाइड करने के बाद छोटा वाला आ गया रेस्ट पे और बड़ा वाला चलने लगा, ठीक, मतलब v1 की वैल्यू 0 हो गई और v2 की वैल्यू v' मान लो। ये है कहानी सिंपल सी जो क्वेश्चन कह रहा है, लाइटर ब्लॉक कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, लाइटर कम्स टू रेस्ट और ये v पे चलने लगा। दुनिया में कोई भी कोलिजन करो बच्चों, इलास्टिक इनइलास्टिक 1D 2D, तो उसमें लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कुछ भी पढ़ो ये तो आना ही है। नेट मोमेंटम इनिशियल बराबर नेट मोमेंटम फाइनल, इनिशियल होगा m इंटू वी प्लस, ये तो रेस्ट पे है तो 0 बराबर, यहाँ ये हो गया रेस्ट पे और मास इसका 4m है तो हो जाएगा 4m इंटू v', ठीक है, तो यहां आ रहा आंसर अपना v' बाय v इज इक्वल्स टू 1/4। इसका फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किससे उसने सेपरेट किया, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, बोलो बच्चों, अप्रोच, सेपरेट कर रहा है बाद में, ये आगे बढ़ रहा होगा बच्चों, सेपरेट कर रहा आगे जा रहा है ये, तो हो जाएगा v' माइनस 0 और अप्रोच करते वक्त तो ये आगे आ रहा होगा तो ये पहले आएगा तो हो जाएगा v माइनस 0। अल्टीमेटली बोल रहा है v' बाय v कुछ नहीं है, 1/4 ही है, तो आंसर हो गया 0.25, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही जा रहा है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन तो कहेंगे इसको, क्योंकि ये फॉर्मूला लगना है और ये तो दुनिया में कोई भी कोलिजन करेगा तो ये लाइन तो आनी ही है, ठीक है।